अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार ब्रेड के कबाब। तो ब्रेड के कबाब बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए वो है बीफ का कीमा आधा किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, कुटी हुई मिर्चें 2 टीस्पून, साबुत जीरा 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, और हमें चाहिए ब्रेड स्लाइसेस 5 से 6 अदद, अंडे हमें चाहिए 2 अदद, बारीक बारीक चॉप हुई हुई प्याज हमें चाहिए 2 दरमियाने साइज की, और हमें चाहिए हरा धनिया आधी घटी, 3 से 4 हमें चाहिए हरी मिर्चें बड़े साइज की, और हमें चाहिए पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। तो चलिए ब्रेड के कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रेड के कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले करना है कीमे को बॉईल। एक पैन में डाल देंगे कीमा, कीमे में डाल देंगे जीरा, साबुत जीरा, कुटी हुई मिर्चें, नमक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे, और इन तमाम चीजों को कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। पानी हम इसमें नहीं डालेंगे, हल्की आंच के ऊपर इसे दम देने के लिए रखेंगे और अपने ही पानी में कीमा बॉईल होगा। कीमे को बस हमें इतना चलाना है थोड़ी सी तेज आंच के ऊपर दम पर रखने से पहले कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर डाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और फिर हम आंच को दम वाली आंच करके और इसको ढक देंगे और कीमा अपने ही पानी में बॉईल हो जाएगा। तो ये देखिए आपके कीमे ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसको ढक देंगे और अब दम वाली आंच के ऊपर हम कीमे को बॉईल करेंगे। 20 मिनट्स हो चुके हैं, कीमे को चेक कर लेते हैं। कीमा हमारा हो गया है अच्छी तरह से बॉईल। इसका पानी खुश कर लेते हैं तेज आंच के ऊपर। पानी हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन कीमे ने अपना ही जो पानी छोड़ा है वो अभी थोड़ा थोड़ा सा मुझे नीचे तह में नजर आ रहा है, तो हम इस पानी को बिल्कुल खुश कर लेंगे और कीमे को ड्राई कर लेंगे। तो तेज आंच के ऊपर कीमे का पानी ड्राई हो चुका है, इसको चूल्हे पे से हटा लेते हैं। कीमे को चूल्हे पे से उतार के अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है हमने। अब हम इसको करेंगे चॉपराइज। इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल देंगे कीमा, थोड़ा सा कीमा डाल के इसके अंदर डाल देंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस, और उसके ऊपर डाल देंगे दोबारा से कीमा। ये देखिए कीमे को इस तरह बारीक चॉपराइज करना है हमें। दूसरी दफा भी हम इसी तरह करेंगे। कीमा सारा हो गया है चॉपराइज। अब हम बारीक चॉप हुए हुए कीमे में डाल देंगे बारीक चॉप हुई हुई प्याज, पिसा हुआ गरम मसाला, बारीक चॉप हुआ हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें, 2 अंडे, और इन तमाम ही चीजों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है ये कबाबों की, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ये बहुत ही लजीज होते हैं ब्रेड के कबाब, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के। जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग ये रेसिपी, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके ब्रेड के कबाब कैसे बने। 5 मिनट इसको अच्छी तरह से नीट कर लें ताकि ये कीमा यकजान हो जाए, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए। 5 मिनट कीमे को अच्छी तरह से नीट करने के बाद इसकी हम बना लेंगे टिक्कियां। टिक्कियां बनाने के बाद इनको हम कर लेंगे फ्राई। एक साइड से अच्छी तरह गोल्डन होने देंगे हम इसको। एक साइड पे कलर आने के बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो दोनों साइडों से कलर आने के बाद हम उतार लेंगे पैन में से इनको। तो ये तैयार हो गए हमारे ब्रेड के कबाब, जो बहुत ही जायकेदार, बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये आप देखें,
बहुत ही लजीज बने हैं। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके ब्रेड के कबाब कैसे बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।